हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन से मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज सोचा कि मैं भी एक ब्लॉग डाल लेता हूँ। सो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो पारेहात हम जा रहे हैं विद बाइक एंड विद माय टू बडीज, उसको भी अभी मैं मिलाऊंगा। सो एग्जैक्टली पारेहात नाहरलगुन से पारेहात तक का कितना डिस्टेंस है हम वो अपना मेरा बाइक का मीटर के थ्रू से भी दिखा देगा कि कितना डिस्टेंस लगता है। सो वीडियो पे बने रहिएगा एंड नए है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो गाइस, तो आप लोग हम बोला था मेरा ये टू बडीज बोल के बोला था। एक्चुअली बडीज ने मेरा ज़िंदगी में बहुत एक फ्यूज इंसान होता है, गिने चुने लोग हैं जो मेरा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनमें से ये दोनों एक है। एंड हर नेम इज़ कर्तर चसर एंड सी हैव हर ओन चैनल टू कर्तर चसर ब्लॉग्स, प्लीज़ फॉलो हर। एंड सी इज़ माई सिस्टर अनुदिनी बगुम, ये मेरा राखी बहन है। तो ये था, अभी हम लोग अपना बाइक से जाएगा, ट्रिपल कैरी करेगा। तो बाइक एज यूजली, सो बाइक पे कितना मीटर है रीडिंग है उसको हम दिखा देते हैं। 15,225 है। तो पारे हाथ तक जाने पर जितना मीटर रीडिंग आता है उसको भी हम लोग कंक्लूजन पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है बोल के। अब जाएंगे संगली जाएगा दरबार भैया, हम लोग जाएगा पारेहात से हम जाएंगे जीरो की ओर। जीरो से हम जाएंगे जीरो ना जाने ना जुड़ भैया, जीरो से तापुरी जो तापुरी मुकाम जाने सो हेलो गाइस, हम पारेहात पहुंच गया है। तो आप मेरा बाइक का मीटर देख सकते हैं गाइस, 253 है। तो पहले 223 समथिंग था, तो कैलकुलेट करने से 28 किलोमीटर से अप्रोक्स है। सो नाहरलगुन कंकर नाला से पारेहात का जो डेस्टिनेशन है इट इज़ अबाउट 28 किलोमीटर जैसे है। सो एंड देयर इज़ द डेस्टिनेशन, वहाँ पे बोर्ड भी आपका लगा हुआ होगा पारेहात का। एंड उसका जो आगे पे है वो वहाँ से जीरो जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, क्या क्या सामान क्या क्या सीनरियो है आपको मैं थोड़ा डिस्प्ले कर देता हूँ गाइस। हेलो बडी, हेलो। यहाँ से आप स्विमिंग पूल जाता है, गर्म दिन पे ये ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, अभी तो विंटर है इसलिए ऑफ है। ये है यहाँ का रेस्ट्रो, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एज ए केबिन लेके। एंड दिस इज द क्लासिक आरएक्स, हम चलाएगा तुम बैठ के चलो आरएक्स 100 क्लासिक आवर में ही होगा ये किसे। ठीक है,
गाइस अब आगे से आप देख सकते हैं वहाँ पे एक डैम पे पारेहार डैम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आप जाके आपको दिखा देगा बाद पे। सो गाइस दिस इज द सीनेरियो ऑफ पारेहार जो कि आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, दैट इज अ डैम एंड दिस आर द स्टॉल्स जहाँ पे आप पे करके आप रह सकते हैं, रह सकते हैं इनकेस मतलब आप खाने पीने के लिए है। जस्ट ए स्मॉल रिसोर्ट टाइप से है। और ये है पारेहार का आईना जो कि इतना गंदा है मरक के। पारेहार आया था तो यहाँ पे कुछ ब्रदर्स मिला है। आप गाइस आप कहाँ से आए थे? ही इज़ फ्रॉम शिलोंग एंड ही इज़ हिज ब्रदर्स। सो मिले हैं तो हम तो यहाँ का है लेकिन मेनलैंड का है, लेकिन बाहर से जो आया है दे आर लाइक मेहमान, अतिथि जो हो क्या होता है, भगवान होता है ना। तो आई होप आप लोग का ब्लेस से मेरा भी चैनल ग्रोथ करेगा एंड नाइस टू मीट यू ब्रदर एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग हियर एंड एक्सप्लोर माई ब्यूटिफुल प्लेस अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हेलो गाइस, हम आप लोगों को जाने से पहले आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि पारेहार डैम को दिखाएगा बोल के। एक्चुअली पारेहार वो साइड पे है गाइस, पारेहार तो वो साइड पे है ना जैसे कि हम लोगों को पता है, और ये है पारेहार डैम और हम लोग अभी फिलहाल इसका ऊपर पे है, वो बहुत नीचे पे है, ये ऊपर पे है और ये है मेन रोड आगे पे, मेन रोड आगे पे है। यहाँ में सामने में क्रेशर भी है, अब यहाँ से आप व्यूज़ देख सकते हैं। एज पर माई प्रोमिस आपको हम दिखा लिया, होपफुली ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। और वहाँ पे हम लोग का फेमस एंड ब्यूटिफुल पारेहार। लगता है हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा क्योंकि की जो है हम यहाँ पे चौके गए गाड़ी का पहले से, भूलने का आदत बहुत बुरा हुआ डी मेरिट से, ऐसे भूलना नहीं चाहिए। तो पारेहार का ब्लॉग यहाँ तक ही रखना चाहूँगा। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव रहा होगा और दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रियली इट इज़ एंड एक बार आइए एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए एंड नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड ऐसा ही प्यार बनाए रखने के लिए जो जो मेरा नॉन और अननोन है उन सब को भी थैंक यू। सो आई होप आप सब भी अच्छे ही रह रहे होंगे। तो गाइस मैं अपने वीडियो को यहाँ तक ही रखना चाहूँगा। सो थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल्स डेली एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।